हमें से ज्यादातर लोग, चाहे वो एक रेसिडेंट इंडियन हो या नॉन रेसिडेंट इंडियन, हमारी इनकम जब इंडिया से होती है तो एक ख्याल हमेशा दिमाग में आता है। वो ख्याल क्या होता है? वो ख्याल होता है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी का। चाहे आप इंडिया से सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, या फिर आपके ऊपर रेंटल इनकम है, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं और वहां से आपके कैपिटल गेन्स होते हैं, तो इस तरह के थॉट्स जब हमारे दिमाग में आते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि अब इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या हो। कहीं ना कहीं टैक्स स्ट्रक्चराइज्ड है, गवर्नमेंट आपको बताती है कि किस स्लैब पे आपके ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी हो। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन सभी NRIs के लिए बना रहा हूँ जिनकी कहीं ना कहीं कोई इनकम इंडिया से है और वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं। तो आपके लिए यहाँ पे क्या ऑप्शंस होते हैं? आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके राइट्स हैं। तो अगर आप एक डेडलाइन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए डिफाइन की थी, वो थी 31st of July। काफी सारे लोग, यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की बात बताऊं आपको, तो 78 लाख लोगों ने, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों मिलाकर, इतने लोगों ने सिर्फ लास्ट डे पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। तो इवन आई कैन अंडरस्टैंड कि हम में से कितने ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ये डेडलाइन एक्सीड कर, और अब हम सभी के ख्याल में, हमारे दिमाग में यही बात आती है कि यार अब तो ये डेडलाइन मिस कर दिया, अब हम क्या करें। यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास है वो अवेलेबल होते हैं 31st December तक, जिसमें कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपने जो गलती करी है आप उसे करेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी इनकम थी इंडिया से, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं TDS डिडक्ट हुए होंगे आपके, आप उसको क्लेम कर सकते हो। अभी भी ये अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं होता है कि आप मिस कर गए तो आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल खराब हो चुकी है। बेस्ट केस होता है यहाँ पे आप डिलेटेड ITR फाइल कर, डिलेटेड ITR फाइल करने के भी कुछ टर्म्स होते हैं। टर्म्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हाँ कंडीशंस की बात बताऊं मैं, तो यहाँ पे भी एक स्लैब डिफाइंड है और हाँ आपके ऊपर एक पेनल्टी लगती है। पेनल्टी लगती है क्योंकि आपने डेडलाइन को एक्सीड किया है, बस उस रीजन से। अब ये पेनल्टी जो है, इसे कुछ इस तरह से ब्रेक किया है कि अगर आपकी इंडिया से इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपके ऊपर एक 1000 रुपीज की पेनल्टी लगती है जो आपको एडिशनल पे करना होगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पे होता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे ज्यादा एक्सीड करती है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वहां पे आपके ऊपर 5000 तक की पेनल्टी लगती है। अगर आपकी इनकम सिर्फ 2.5 लाख रुपए थी तब तक आपके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो। बट अगर आप अभी रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो TDS डिडक्ट है जो आपके अकाउंट से कटे हो वो आप रिफंड नहीं ले पाओगे। तो अगर आप अभी करते हो ये, तो मोर लाइकली आप अपना TDS जो डिडक्ट हुआ है आप उसे क्लेम कर सकते हो, एक्स्ट्रा TDS आप वो रिफंड अपने अकाउंट में मंगवा सकते हो। इवन अगर आप देखो, अगर आपका 10,000-15,000 तक का भी TDS कटा है तो आप इस डायरेक्शन में सोच सकते हो कि अगर आप 5000 की पेनल्टी पे भी करते हो तब भी आपको रेस्ट के रिटर्न्स मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे एक बात और है जो मैं चाहूंगा कि आप याद रखो, वो ये है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल कर देते हो तो इन फ्यूचर आपको कोई टेंशन नहीं होता है। टेंशन इन द सेंस आपके ऊपर कोई लिटिगेशन या फिर आपको कोई नोटिसेस नहीं आते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अगर मैं लास्ट ईयर की ही बात करूं तो कई सारे NRIs थे जिनकी इनकम इंडिया से 5 लाख से ज्यादा थी, उन्होंने इनकम टैक्स फाइल नहीं करा और 10 में से एक या दो केसेस ऐसे थे जिसमें कि NRIs को इनकम टैक्स से नोटिसेस आए थे और फिर उनकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती हैं, उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर्स चलते हैं उस पे, लीगल एक्शंस होते हैं। तो इन सारे प्रेशर से बचने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अभी भी टाइम है आपके पास, आप रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो और उसके बाद जो भी रिफंड्स आपके होंगे आप या तो वो क्लेम कर लो, प्लस आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग बनाकर रखो, स्पेशली जब आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो। अब बात करते हैं हम नोटिसेस की, इनकम टैक्स से जो नोटिस आते हैं कैसे आपको पता करना है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए आपके पास इनकम टैक्स पोर्टल में ही ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। ये नोटिसेस चेक करना बहुत ईजी है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पे चले जाओ, आप वहां पे लॉगिन या साइन अप आप कर लो। जब आप करते हो लॉगिन या साइन अप तो होम पेज पे ही आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन में ही ऑप्शन दिख जाता है ऑथेंटिकेट नोटिस,
ऑर्डर इश्यूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITD। अब वहां पे जाकर आपके ऊपर अगर कोई भी लीगल नोटिसेस चल रहे हैं या फिर कोई लिटिगेशन चल रहे हैं तो आप उसे वेरीफाई कर पाओगे यहाँ से। तो कभी भी अगर आपको ऐसे इन रैंडम कोई मेल आता है, आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हो, तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे चले जाओ, वहां पे अपने पैन को यूज करके या फिर लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। हर चीज का एक वे आउट होता है, आपको पैनिक नहीं होना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास काफी ऐसे CAs और CPAs एसोसिएटेड है, जो अगर आपको कोई भी इनकम टैक्स रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी, आप बेझिझक हमारी ऐप को यूज करके उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपना केस डिस्कस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपने इनकम टैक्सेस फाइल नहीं करे हैं या फिर आपको इस पे कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आप हमें बता सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। और अब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं चाहता, 15-20 मिनट में आप अपने इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत ज्यादा कैपिटल गेन्स या लॉसेस नहीं है। अगर वो कैलकुलेशंस एक टास्क है आपके लिए, तो आप किसी भी थर्ड पार्टी को हायर करके अपना काम करवा सकते हो, ये भी आपके पास एक प्रोविजन होता है। सो डू फाइल योर टैक्सेस, हैव अ गुड प्रोफाइल, दिस इज ऑल व्हाट वी रिकमेंड। अगर आपको इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।